करी होगी जब पढ़ रहे होगे आप तो, तो उस टाइम हमने अपनी सर पढ़ाई छोड़ के ना अपने पापा के साथ दिया, पापा के साथ दिया। हाँ। अपने ऊपर भरोसा बना के रखो कि मैं इसमें जीत रहूंगा। जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा था, ठेली पे खड़ा नहीं हो पाता था, पत्थर रख के खड़ा होता था, तब मैं अपनी दुकानदारी चलाता था। पैसा है तो दुनिया है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। घर वाले भी नहीं पूछते सर। तो गाइस एक और बार वीडियो के साथ आ गए हैं, नई वीडियो के साथ रेडी, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम भाई के पास आ गए हैं और देखते हैं भाई के पास क्या होने वाला है और क्वेश्चन पूछते हैं भाई से। तो फर्स्ट भाई आपका क्या नाम होने वाला भाई? दीपू कश्यप सर। दीपू कश्यप क्या हाल है आपके? सर बढ़िया। तो बेसिकली क्या है आपका, क्या? हमारे पास अंडा आमलेट मिलेगा आपको सर। अंडा आमलेट जी जी। तो ये कब से लगाना स्टार्ट करा है? ये अभी मुझे करीब एक हफ्ता हुआ सर। एक हफ्ता हुआ है जी। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? पूरी सब्जी का ठेला हमारा है, 18 साल होने जा रहे हैं। पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए, उनकी जगह हमने ले ली पापा की। अब वो खत्म हो गए तो मैं काम करता हूँ पूरी सब्जी का, और शाम को अपना ही है। तो अंकल जी देख लो, भाई की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। अरे भाई से पूछो भाई कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ कि जैसे कि आजकल की जनरेशन होती है वो बोलती है कि मैं ना आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन बढ़ना चाहती है, आगे काम करना चाहती है, लेकिन हमने अपने पापा का काम संभाला है, ठीक है। वो नहीं रहे तो मैं अपना काम संभाल लूँ, उनका काम। हाँ, सुबह भी काम करता हूँ और शाम को भी करता हूँ। भाई मेहनत लगती है हर चीज़ में। भाई एक बात बताओ, जैसे कि आजकल की जनरेशन है आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ना वो रुक जाती है कहीं, वो लोगों की सोच गलत है सर, सोच पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। और अगर वो जैसे कि आगे बढ़ रहा है बंदा, कि लेकिन वो तीन चार जगह जो है ना, तीन चार चीजें सोच रखी है, वो कंफ्यूज हो रखा है। बिल्कुल। उसको क्या बोलना चाहोगे सर? क्या बताऊँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, खाली मेहनत करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। मेहनत तो कर रहा है वो शख्स, लेकिन चार पांच चीजें हैं उसके दिमाग में, चार चीजें, चार जगह हैं, चार रास्ते हैं, चारों जगह तो उसे पता है, लगता है कि हाँ सक्सेस मिल जाएगी। तो वो चारों पे जाना चाहिए, उसे एक पे जाना चाहिए? एक पे अपनी डिपेंड रहो सर, एक पे बस, खाली मेहनत रखो, मेहनत करो बस, अपने ऊपर भरोसा बना के रखो कि मैं इसमें जीत रहूंगा। पर कुछ लोग बोलते हैं कि मेहनत नहीं चाहिए होती, उसके अलावा कुछ चाहिए होता है। नहीं, वो गलत है सर, गलत है। आप एक पे डिपेंड रहो, आप भरोसा करो, मिलने को भगवान में मिल जाए, ढूंढने से तो ढूंढोगे तो भगवान में मिलते सर। पर यहाँ ढूंढना नहीं है, यहाँ मेहनत करनी है भाई, ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो भाई आप बताओ कि आपने भी अपनी लाइफ में जब स्टार्ट करी होगी, जब पढ़ रहे होगे आप लोग, तो उस टाइम सर पढ़ाई छोड़ के ना अपने पापा के साथ दिया, पापा के साथ दिया। हाँ देख लो भाई, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पापा के साथ देते हैं, वैसे तो हर किसी को देना चाहिए। छोड़ने के बाद सर मैंने अपने पापा के साथ दिया, आज मैं उस मुकाम में हूँ, सही भगवान की कृपा से सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है भाई। आपने कुछ अलग सुबह नहीं, नहीं अलग नहीं सोचा मैंने, मैंने हमेशा अपने पापा के साथ देने की सोची। काफी अच्छे विचार है भाई आपके। हाँ। आपके विचार जानिए। मेरे अलग विचार नहीं सर भाई, लेकिन एक होता है ना हर एक इंसान का, मैं ये बनना चाहता हूँ या वो। नहीं नहीं, मैंने आपका ऐसा कुछ नहीं था, बस पढ़ाई करी हमने, पापा का जो सहारा। हाँ बस पापा का सहारा दिया हमने हमेशा जिंदगी भर, वो निकल गए, पापा निकल गए हमारे, गुजर गए थोड़े से, मतलब अटैक आ गया था, तो बस फिर उनका काम हमने संभाला। तो जब पापा के साथ आप लगे थे तो पापा को कैसा लगता था? अच्छा लगता था कि हाँ मेरा बेटा मेरे साथ है। तो वो आपको ये नहीं बोलते थे कि बेटा पढ़ो? पढ़ाई करी मैंने इस ओपन स्कूल से करके, पढ़ाई करी मैंने, 10वीं उनने खुद करवाई है हमको। हाँ बिल्कुल। तो भाई देख लो भाई, पढ़ावे भी आएंगे भाई, पढ़ाई भी कराए, सब कुछ कराया उन्होंने, सब कुछ कराया है, ऐसी बात नहीं नहीं कराया उन्होंने, सब कुछ कराया उन्होंने। तो मतलब आपने पढ़ाई भी छोड़ी फिर उसके बाद? मैंने 10वीं करनी थी, 10वीं कर ली बस, मेरा खाली बस सपना ये था अपने पापा के साथ देना, बस पापा के साथ देना, बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई के तो विचार तो यार बहुत अच्छे अच्छे होंगे, मेरे को तो बहुत खुशी मिली कि हाँ भाई अपने पापा के साथ ऐसा रहना चाहिए हर किसी शख्स को। हमारा सपना खाली मेरे पापा का था, वो मैं पूरा कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अपने पापा का सपना मुझे साकार करना है और कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ। उनका सपना ये था दुकान लगाओ, अपना काम करो, मेहनत करो, बस। तो उस पे आपको अटल रहेंगे? बिल्कुल सर। यहाँ मेरे को इधर उधर का नहीं, मुझे और उधर उधर कहीं नहीं जाना है, सुबह अपना उठते हैं, पूरी सब्जी मेरा यहीं पे ठेला लगता है, आज से नहीं 2002 से लगता है, 2002 से काम कर रहे हैं। जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा था, ठेली पे खड़ा नहीं हो पाता था, पत्थर रख के खड़ा होता था, तब मैं अपनी दुकानदारी चलाता था। कितने साल से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था? 2002 से स्टार्ट है मेरा, पूरी सब्जी का।
मेरे अभी 33 साल है। 23 साल है। 33 साल है। हाँ। तो मेरे हिसाब से शायद 15-16 साल की उम्र में। 18-19 साल आराम से हो गए सर। 18-19 साल हो गए भाई को कमाते कमाते। हाँ, आजकल की जनरेशन जहाँ जो 2-3 साल करके पढ़ाई भी करी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 साल करके जो आजकल की जनरेशन बोलते हैं कि हाँ थक गए हम तो यार क्या काम कर रहे हैं। थक तो सर देखो जो मेरी बात सुनो, थक तो जाते हैं हम, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता। बिल्कुल, अब यहाँ से हम 10-11 बजे जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, फिर सुबह लगना है और सुबह फिर शाम को यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे 5 बजे। कितना आराम कर लूंगा मैं बताओ आप। सही कह रहे हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, इसीलिए तो मतलब मेहनत करते जाओ। और बिल्कुल बिल्कुल सर, मेहनत करने में मैं पीछे कभी नहीं हटता हूँ। तो जैसे कि कुछ आजकल के लोग होते हैं कि पीछे पड़ जाते हैं किसी लड़की वगैरह के, तो उन सर नहीं, मैं सब वो चीज़ भुला चुका हूँ, वो सब भुला चुका हूँ। अगर आपके पास सर पैसा है तो दुनिया है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। घर वाले भी नहीं पूछते सर, रियलिटी बात है भाई। तो आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो घर वाले भी नहीं पूछते आप, ये बात आप ध्यान रखें। मतलब पैसा कहाँ चाहो कुछ। हाँ, पैसा घर पे दो आपको इज्जत मिलेगी, अगर पैसा नहीं दे रहे हो ना तो कोई इज्जत नहीं मिलती सर आपको। तो भाई का मानना है वैसे तो ये कुछ हद तक बहुत सही बात है ना, पैसे से बढ़ के सर कोई चीज़ नहीं है। तो भाई कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार पैसा ये सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं मानता हूँ उस चीज़ को सर, लेकिन फिर भी एक पैसा भी ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं दुनिया में पैसा कोई चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्यार किसी से कर रहा है, पैसा नहीं तो प्यार नहीं होता सर, समझ गए आप मेरी बात, पैसा नहीं तो प्यार नहीं है। सही सही सही, समझ गए। तो पैसा मैटर करता है हर चीज़। हाँ, चाहे सक्सेस हो, हर जगह पैसा काम नहीं आता, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी पैसा होना बहुत जरूरी होता है। पैसे का होना उस टाइम पर जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो, घर के रिलेशन से चाहे लड़की के रिलेशन में कुछ भी सही सर, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं हो तो आपको कोई नहीं जानेगा। आपका दोस्त मुँह छुपा के आपको भाग जाएगा, वो कहेगा कहीं मेरे से पैसे ना मांगने लग जाइए, ये बात होती सर। तो दोस्ती वगैरह ने आपने बोला कि हाँ दोस्त वगैरह ने आपको, मैंने दोस्तों को भी आजमा लिया सर। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं तो दोस्ती वगैरह आपका बचपन वगैरह तो उसमें खेल सब कुछ सही है, पैसा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं पूछता। जैसे बचपन में था, आप बता रहे कि बचपन से काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें काम कर रहा हूँ, तो दोस्ती थी उस टाइम पे, तो दोस्ती में जैसे हम कंचे वगैरह खेलते हैं, गेम खेले। हाँ, हमने खेले तो उस टाइम पे, खेले थे आपने। हाँ, खूब खेले, कंचे खेले, गिल्ली डंडा खेले, बहुत कुछ खेला सर, जो बचपन में जो है सब कुछ हमने खेला है। टाइम कहाँ से मिल जाता था इसके बीच में आपको, मतलब तब बचपन था ना हमारा, तब हम काम थोड़ी करते, तब हम पढ़ाई करते थे। अच्छा, उससे पहले टाइम पे था, उसके बाद आपने जो खेलना वगैरह बंद कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, फिर अपना काम पे फोकस, काम पे फोकस करेंगे। बिल्कुल, तो तब से जैसे जैसे मतलब हम बड़े, जैसे जैसे हम बड़े होते थे अपने बुद्धि आती रही, अब हमें पतंग उड़ाने का शौक बहुत है, लेकिन अब नहीं है ना, अब काम पे फोकस है। हमारे यहाँ बसंत पंचमी मनाई जाती है फरकाबाद में, लेकिन अब शौक नहीं है। तो शौक अभी फिलहाल मतलब आपके पूरे कर लिए आपने इतने भी शौक थे। हाँ बिल्कुल, अब धीरे धीरे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ेगी वैसे ही आप धीरे धीरे अपने काम के फोकस में करोगे। जैसे आपने बताया कि शुरू से मैं अपने पापा का सहारा बना रहा था, तो अभी अब आगे का क्या प्लान है, अभी क्या सपने हैं जो पूरे करने वाले हैं? सपने मेरे ये हैं भैया, काम करना, घर चलाना और कुछ नहीं। बिल्कुल, बस यही सपना है हमारा। तो भाई के भाई विचार तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो भाई एक बार ये बता दीजिए, आपकी जो शॉप है ये कब से कितने बजे तक आप लगाते हैं? ये मैं सुबह अपने 7 बजे पूरी सब्जी लगाता हूँ, ठीक है, 3-4 बजे तक लगाता हूँ पूरी सब्जी, फिर उसके बाद मैं 5-6 बजे आ जाता हूँ अपने यहाँ पे, अभी 10 बजे तक मैं लगाऊंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते रहो तभी कुछ होगा भाई। तो भाई लास्ट बार जो ऑडियंस जो बंदे हैं जो मेहनत करते रहते हैं उनके लिए मैं सर यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में, बस पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। दोस्तों वीडियो में करते हैं यही एंड, मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।